रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गौर पब्लिशर्स। दिस इज हमना बिन्त शहजाद। आर मोटो इज रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे अपनी गौहर जनरल नॉलेज फॉर द ग्रेड 2 का यूनिट नंबर 5 एंड द टाइटल ऑफ द यूनिट इज एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। तो सबसे पहले चलते हैं स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम की तरफ। पहला हमारे पास है लिस्ट द मेजर क्राफ्ट्स इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में जो मेजर खास खास फसलें हैं उनके नाम बता सकें, उनकी पहचान कर सकें। रिकॉग्नाइज दैट पीपल प्रोसेस द क्राफ्ट्स दे ग्रो फॉर मेकिंग प्रोडक्ट्स, कॉटन टू थ्रेड टू क्लोथ टू गारमेंट। इस बारे में जान सकें कि लोग जो फसलें उगाते हैं उसके बाद उसको प्रोसेस्ड करते हैं और उसको प्रोसेस्ड करने के बाद उससे चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि अगर हम कपास की बात करें तो कपास से धागा बनता है और फिर धागे से कपड़े बनते हैं और फिर कपड़े से आगे गारमेंट इंडस्ट्री खड़ी होती है। रिकग्नाइज द इम्पॉर्टेंट ऑफ लाइफ स्टॉक, मवेशियों की अहमियत के बारे में जान सकें। डियर टीचर्स, जब ये वीडियो लेसन आपने पढ़ाना है, आपने डिफरेंट पिक्चर्स लेकर आनी है जो कि पाकिस्तान की क्रॉप्स की हैं। जैसे कि आप गंदम की ला सकते हैं, चावल की ला सकते हैं, गन्ने की ला सकते हैं, आप मकई की फसल की तस्वीर ला सकते हैं, कपास की ला सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपने जो लाइव स्टॉक है यानी कि जो मवेशी हैं उनकी तस्वीरें लेकर आनी है और बच्चों को बताना है कि किस फसल से क्या चीज़ बनती है। डियर टीचर्स, इस वीडियो लेसन को पढ़ाने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश आए तो आप गौहर पब्लिशर की वेबसाइट पर जाकर उनके रिसोर्सेज को डाउनलोड कर सकते हैं। उनके रिसोर्सेज में की स्कीम ऑफ स्टडीज, की बुक्स, मॉडल पेपर्स और लेसन प्लान्स अवेलेबल हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।